उसैद भाई, इस दफा आपके एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ तो होनी ही थी, बबलू भाई आपने नजर जो लगा दी। अगर किसी अच्छी चीज को देखकर माशाल्लाह कह दिया जाए तो नजर नहीं लगती। मगर फैजान भाई, हमें ऐसे ही किसी के बारे में ये नहीं कहना चाहिए कि इससे दिल आजारी हो सकती है। सुन लिया फैजान भाई, चले अब सॉरी करें। सॉरी बबलू भाई, उसैद भाई टेक्निकल वर्क करते हैं और इन कामों में ये तो होता है। जी बिल्कुल। ठहरिए उसैद भाई, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम का फरमान है, जो भी अहम काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर नहीं शुरू किया जाता वो अधूरा रह जाता है। तो आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर अपना जहाज उड़ाइए, इंशाअल्लाह आप सक्सेसफुल रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये उड़ गया, माशाल्लाह। उसैद भाई, आसमानों में उड़ने वाले जहाज बहुत स्पीड से उड़ते हैं ना, कितनी ज्यादा आवाज होती है उन जहाजों की। ये तो कुछ भी नहीं है, रॉकेट तो इससे भी तेजी के साथ उड़ता है। मगर इस दुनिया की फास्टेस्ट थिंग लाइट है और रोशनी की रफ्तार तकरीबन 300,000 किलोमीटर/सेकंड है। अच्छा, हम इस रफ्तार को तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। मगर इस रफ्तार से भी तेजी के साथ सफर हो चुका है। वो कैसे? जब हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम सफरे मेराज पर तशरीफ लेकर गए थे, तो लाखों बल्कि करोड़ों सालों का सफर रात के बहुत थोड़े हिस्से में तय कर लिया था। सुभान अल्लाह। गुलाम रसूल भाई, मुझे भी इस वाक्य के बारे में सुनना है, प्लीज बताइए। घर चलिए, फिर बताता हूँ। वाक्य मेराज कुछ इस तरह शुरू होता है कि रजब शरीफ की 27 तारीख के रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, तो अचानक छत खुल गई, तो फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अलैहि सलाम नीचे आए। इसके बाद जिब्रील अलैहि सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा के पास ले आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए एक सफेद जानवर को हाजिर किया गया, जिसे बुराक कहा जाता है। बुराक? इस जानवर के बारे में तो टीचर ने भी बताया था, बहुत तेज सफर करता है ये जानवर। जी बिल्कुल। फिर बुराक पर सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस की तरफ तशरीफ ले गए, जो मुसलमानों का किबला अव्वल है। यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को वेलकम करने के लिए तमाम अंबिया कराम मौजूद थे। यहाँ मस्जिद अक्सा में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने तमाम नबियों और रसूलों को नमाज पढ़ाई। सुभान अल्लाह, क्या शान है हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की। फिर नूर की सीढ़ियों के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पहले आसमान की तरफ तशरीफ ले गए। इट्स अमेजिंग। पहले आसमान से सातवें आसमान तक फरिश्तों के बाजुओं पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने सैर फरमाई और बहुत कुछ देखा, और फिर सातवें आसमान से सिदरतुल मुंतहा तक हजरत जिब्रील अलैहि सलाम के बाजू पर सफर फरमाया। सिदरतुल मुंतहा क्या चीज है? ये एक नौरानी बेरी का दरख्त है, जिसकी जड़ छठे आसमान पर और शाखें सातवें आसमान के ऊपर हैं। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा से भी आगे बढ़े, तो जिब्रील अलैहि सलाम वहीं ठहर गए। फिर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आगे कैसे गए गुलाम रसूल भाई? बहुत जल्दी है आपको, थोड़ा सब्र कर लें। फिर रफरफ नाम की सवारी पर सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आगे तशरीफ ले गए, और फिर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक से मुलाकात की। सुभान अल्लाह। उस वक्त हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने जागती आँखों से अल्लाह पाक का दीदार किया और मुलाकात की, और उस वक्त वहाँ तीसरा कोई मौजूद न था। सुभान अल्लाह। उस मुलाकात में अल्लाह पाक ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को नमाजों का तोहफा अता फरमाया। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने जन्नत की सैर की, जहन्नम को देखा, और दुनिया जहाँ की सैर फरमाने के बाद वापस दुनिया में तशरीफ लाए। ये वाकिया मेराज आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का अजीम शान मौजजा है, और जिस बात को बताने के लिए मैंने ये वाकिया मेराज आप सबको सुनाया वो ये थी कि इतनी बड़ी और अजीम सैर चंद लम्हों में हुई थी।
कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए तो दरवाजे की वो जंजीर जो जाते हुए हिलने लगी थी वो वापसी पर भी हिल रही थी, और जिस मुबारक बिस्तर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे वो वापसी पर भी गर्म ही था। जरा सोचिए कि कितने कम वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इतना लंबा सफर तय किया और बहुत सी जगहों की सैर फरमाई। सुभान अल्लाह। इस वाकये का जिक्र कुरान पाक में भी है, जैसा कि अल्लाह पाक सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में इरशाद फरमाता है, सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। पाक है वो ज़ात जिसने अपने खास बंदे को रात के कुछ हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर कराई, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं ताकि हम उसे अपनी अजीम निशानियां दिखाएं। बेशक वही सुनने वाला देखने वाला है। तो ये था वाकिया मेराज। अब आप सबने इस वाकिये को याद रखना है इंशाल्लाह।